हेलो दोस्तों, VCE कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉरल ड्रा में एक स्प्लैटर इफेक्ट बनाना सिखाया था पेंट के साथ, वैसे ही आज मैं आपको अडोब फोटोशॉप में सेम वैसा ही इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप को ऑन कीजिए, फिर जो भी पिक आपको स्प्लैटर इफेक्ट के लिए यूज़ करनी है उसको ओपन कीजिए। जैसे मैं इस पिक के ऊपर स्प्लैटर इफेक्ट लगाऊंगा, तो मैं पहले ये पिक ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसे अडोब फोटोशॉप में ओपन होगी, तो हमें ये वाली बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पिक ही चाहिए जिसके ऊपर आपको इफेक्ट लगाना है। बैकग्राउंड हम ग्रेडियंट से अलग से बनाएंगे। तो जहाँ तो आप ये पॉलीगन लस्टर टूल के साथ बिल्कुल साथ साथ सिलेक्शन करके पिक को कॉपी पेस्ट कर लो, लेयर बना लो, और जहाँ फिर आप यहाँ से क्विक टूल से भी ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं क्विक टूल यूज़ करता हूँ, और यहाँ यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है, वहाँ पे टिक करना पड़ेगा, और ब्रश का साइज बड़ा छोटा करके आप उसको सेटिंग कर सकते हो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं साथ साथ में ब्रश चलाऊंगा, वहां से मेरी सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप थोड़ा जूम करके करोगे तो और भी बढ़िया होगी। कोई भी सिलेक्शन का पीस छूटना नहीं चाहिए। अगर कहीं से लगे कि सिलेक्शन बाहर को चली गई है, तो ये वाला माइनस टूल उठा के उसको हटा दो। ठीक है, प्लस करके आप फिर कंटिन्यू कर सकते हो। इसी क्विक सिलेक्शन टूल से प्लस करके मैं सिलेक्शन को आगे कंटिन्यू रखूंगा, और यहां यहां पे मैं ब्रश के साथ सेलेक्ट करता जाऊंगा, वहां वहां पे सिलेक्शन होती जाएगी। तो देखिए सारी सिलेक्शन हो गई है। फिर जूम टूल के साथ थोड़ा सा जूम करके यहां यहां पे रह गई है, जहां पे जहां फिर फालतू होगी उसको आप ठीक कर सकते हो। जैसे ये वाली फालतू आ गई है सिलेक्शन, तो माइनस टूल के साथ मैं इसको हटा दूंगा, और ये भी फालतू है, इसको भी आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, सिर्फ हमें इसके हेयर तक ही चाहिए। थोड़ी सी यहाँ से फालतू है, ऐसे आप करके हटा दो। चारों तरफ से एक बार एज से देख लो, यहाँ पे भी आपको हटाना है, माइनस टूल से हटा सकते हो। अगर प्लस करोगे तो सिलेक्शन प्लस होगी। ये जो थोड़े थोड़े हेयर उसके बाहर की तरफ रह गए, आप इसको छोड़ दो। ठीक है, तो अब इसको हम फिट ऑन स्क्रीन करके नॉर्मल रखें। देखिए दोस्तों, हमारी सिलेक्शन हो गई है। अब इसके एज को थोड़ा रिफाइन करना है, तो उसके लिए जो टूल आपने यूज़ किया था क्विक सिलेक्शन टूल, उसी के ऊपर मीनू में यहाँ पे है सिलेक्ट एंड मास्क, तो आपको सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर टिक करना है। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो बैकग्राउंड हट जाएगी, जहाँ फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और जहाँ यहाँ पे आपने सिलेक्शन की है वो सारी आपको यहाँ पे शो होने लगी। यहाँ पे आप जो चीज़ हटाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, वो आप अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, कैंसिल करके वापस बाहर भी आ सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा नहीं चाहिए सिलेक्शन, तो आप हटा दो। और फिर यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क करके फिर देखो जाके सिलेक्शन हो गया। अब इसके जो एज है उसको रिफाइन करने के लिए यहाँ पे एज डिटेक्शन का ऑप्शन दिया है। इसमें थोड़ा सा रेडियस दिया है, थोड़ा सा रेडियस आपको बढ़ा के 2 पिक्सल कर देना है, और स्मार्ट रेडियस को
ऑन कर लेना है। और यहाँ पे डी आउटपुट में लिखा है कि आपको आउटपुट कैसे चाहिए, तो इसमें ऑप्शन है सिलेक्शन का, लेयर मास्क का, न्यू लेयर का। तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट विद लेयर मास्क चाहिए, ठीक है, हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, यही लेयर चाहिए और उसका मास्क भी साथ में चाहिए। तो आपको इसको टिक कर देना है और इसको ओके कर लेना है। जब भी आप ओके करोगे उसी समय आपको बिना बैकग्राउंड के एक लेयर मिल जाएगी। थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं। अब इसी के ऊपर हमें स्प्लैटर इफेक्ट लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, फाइल के ऊपर टिक करके इसमें ऑप्शन है प्लेस लिंक फाइल, यहाँ पे टिक करो। टिक करने के बाद ये सारे इफेक्ट ही हैं, इनमें से मान लो ये वाला लगाना है हमें और इसको आप प्लेस कर दो तो ये पिक के ऊपर प्लेस हो जाएगा। फिर आपको एडजस्टमेंट करनी है कि हम इसका साइज कितना बड़ा रखना है, कहाँ तक रखना है, ठीक है। मान लो यहीं तक हमें इसकी लगानी है, इसको ओके करो। ओके करने के बाद ये जो यहाँ पे लेयर आ गई है इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर कर लो और फिर क्विक सिलेक्शन टूल से आप यहाँ से जो वाइट वाली स्पेस है सारी सिलेक्ट कर दो। ठीक है, देखिए सिलेक्शन हो गई है। नीचे वाले पोर्शन को चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हो। जब आप इसको यहाँ से बंद करोगे लेयर को तो आपकी सिर्फ सिलेक्शन ही दिखेगी। थोड़ी सी सिलेक्शन हमें ऊपर की तरफ करनी है, तो मैं इसको ऑन करके कंट्रोल डी करके दोबारा से सेट करता हूँ। आप ऐसा करो, पहले इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर लो ताकि आपको पता चले कि जो पेंट वाला इफेक्ट है कहाँ तक लग रहा है। इसको आप थोड़ा सा उठा दो, ठीक है। फिर यहाँ से उसकी जो ओपेसिटी आपने कम की है उसको फुल कर लो। अब सिलेक्शन टूल के साथ क्विक सिलेक्शन, यहाँ से जो हमने वाइट वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेयर को ऑफ कर दो और राइट क्लिक करके लेयर वन सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको डिलीट की प्रेस करनी। जैसे ही आप डिलीट प्रेस करोगे तो जो आपने सिलेक्शन की है वो लेयर को कट कर देगी और कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटा दो। अब हम लेयर को मूव करके देखेंगे तो देखिए उसमें से इफेक्ट लग गया है। और बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से प्लस करके एक न्यू लेयर लगा लेना है, इसको सबसे नीचे ले आओ और उसके ऊपर चाहो तो आप एक बॉक्स लगा सकते हो, उसके ऊपर चाहो तो आप ऐसे एक रेक्टेंगल लगा सकते हो। रेक्टेंगल के ऊपर यहाँ ग्रेडियंट से कोई कलर दे दो, ठीक है। जैसे जो रेक्टेंगल लगाया है उसमें ग्रेडियंट फिल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना कि लेयर के ऊपर टिक करके इसको रास्टराइज करना है। उसके बाद इसके ऊपर आप इफेक्ट लगाओगे, देखिए कलर भी फिल हो गए हैं। ये जो हमारी लेयर वन है जिसके ऊपर हमने इफेक्ट पेंट इफेक्ट लगाया है, इसकी लुक थोड़ा सा 3D करने के लिए लेयर स्टाइल में जाओ
और यहाँ पे लेयर स्टाइल में आपको इसकी ड्रॉप शेडो लगानी है। ठीक है, ये रहा ड्रॉप शेडो का ऑप्शन। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको जीरो ही रखनी है। यहाँ से थोड़ा सा स्प्रेड कर लो और यहाँ से थोड़ा सा साइज बड़ा करके आप ऐसे लगा सकते हो। और यहाँ पे लेयर का जो इफ़ेक्ट आ रहा है, अगर आपके यहाँ पे भी आए तो इसके ऊपर आप इरेज टूल के साथ इसको हटा सकते हो। जैसे ये इरेज टूल है, इसके साथ इसके चारों तरफ ऐसे इसको इरेज कर दो। जैसे ये हल्की सी लाइन नज़र आ थी तो मैंने इसको इरेज कर दिया। तो देखिए दोस्तों, इफ़ेक्ट लग गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।